हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एट सुपर कलाम। अ वेरी वॉर्म गुड इवनिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, एंशंट हिस्ट्री। आई नो हिस्ट्री इज वेरी वेरी स्कैरी फॉर सम ऑफ यू बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्ट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर, सो मेनी इवेंट्स वी हैव टू मेमोराइज। बट डोंट यू वरी एट ऑल, वील स्टडी हिस्ट्री एज अ स्टोरी। इन रियालिटी हिस्ट्री तो एक स्टोरी ही होती है ना, अग्री करोगे इस बात से, है ना? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक स्टोरी है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री इन यू नो इन अ फॉर्मैट कि आप लोगों को ना हिस्ट्री याद ना करना पड़े। आप लोगों के लिए हिस्ट्री जो है वो एक कहानी, एक आपकी ही लाइफ की अपनी एक इंटरवोवन स्टोरी बन जाए, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं आज का सेशन। डे नंबर 38 है आज, तो ऑलमोस्ट वी हैव सॉल्व 380 के अराउंड क्वेश्चन सो फार। ओके, आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू कि आप लोग कंसिस्टेंट रहे हो 100 डेज रिविजन चैलेंज में। आई एम योर मेंटर अर्पिता शर्मा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये 100 डेज रिविजन चैलेंज है जो हम लास्ट 38 डेज से चला रहे हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2024 और इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, दोनों ही केस में आपके लिए ये चैलेंज और ये रिविजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम डेली PYQ सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट एंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन दैट आर बींग सेट। ओके, तो आज जो टेस्ट था PYQ का, इसका हमारा एक रिचुअल होता है। अगर आप न्यू हो इस चैनल पर, तो डेली ऑन आर टेलीग्राम कम्युनिटी वी गिव यू वन लिंक टू प्रैक्टिस एंड टू गिव 6 to 10 PYQs ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आज 6 PYQs सॉल्व करने के लिए दिए गए थे एंशंट हिस्ट्री से, फ्रॉम द ईयर 2012 टू 2014। तो आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, वो 2012 से 14 के बीच में आए हैं, 6 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है? तो आप देखोगे कि सुबह से काफी स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मोर देन 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एंड हियर आर द रिजल्ट्स। मुस्कान, शालिनी, सैयद, गौरव, ठीक है, देन वी हैव 2 मुस्कान्स आज, एंड प्रिया यादव, श्रेया, ध्रुव, अरिजीत, श्रीनाथ, आकाश, रोहित, एंड ऑल ऑफ देम स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स। टाइम भी यहाँ पर हमें मुझे पता चलता रहता है कितने टाइम में 6 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु आर कंसिस्टेंट इन दिस क्लास। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉज वेरी इजी, फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हर साल ना एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ ही लिया जाता है IVC से, हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है दे पोसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। अगर आपको याद हो, मोहनजोदारो करके एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, है ना, तो उस मूवी से मुझे ये याद है 2017 में और 16 में, आइदर वेज 2017 में आई गेस आई वेंट आउट टू वॉच दैट मूवी। तो उसमें ना कहीं पर भी बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं थे। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि दे डू नॉट पोसेस एनी टेम्पल। अगर आपने मूवी नहीं भी देखी तो भी आपको पता ही होगा कि ऑल द सील्स दैट वी हैव यू नो डिस्कवर्ड फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन, एवरी पर्सन इज सिटिंग इन द नेचर। देखो एनिमल्स है, पशुपतिनाथ की ये सील अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ देखोगे एनिमल्स है। द पर्सन इज स्टैंड सिटिंग इन अ मेडिटेटिव पोजिशन विच इज अज्यूमेबली कहा जाता है कि ये लॉर्ड शिवा है, आदिनाथ है, तो इनके आसपास एनिमल्स है, यानी कि ये नेचर में बैठ कर मेडिटेट कर रहे हैं, है ना? सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, फर्स्ट इज रॉन्ग, ए कैन बी एलिमिनेटेड। ओके, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। यस, हमने देखा है कि मेडिटेटिव स्टेट में प्रीस्ट भी है, वी हैव आदिनाथ ऑल्सो, ठीक है, एंड देन वी हैव सो मेनी फीमेल डेटीज एज वेल। अगर आपको याद होगा कि यू नो काफी सारी सप्त मातृकाज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स मिले हैं, जिसमें 7 देवियां हैं और एक मेन देवी है, उनके आसपास 7 देवियां हैं। सो दिस मेन देवी इज कंसिडर्ड टू बी माँ दुर्गा, माँ नेचर, एंड सप्त मातृकाज आर वर्शिपिंग हर। सो यस, फीमेल एंड मेल वर्शिप तो था ही था, ठीक है, सेकेंड इज करेक्ट। नाउ इफ सेकेंड इज करेक्ट, 2 ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। अगेन, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर हॉर्स की हड्डियां तो सुरकोटडा में मिली है, द बोन्स ऑफ द हॉर्स हैव बीन फाउंड इन सुरकोटडा, बट द चैरियट्स देर इज नो एविडेंस कि वहां पर चैरियट्स थे,
रथ थे, वॉरफेयर बहुत लार्ज लेवल का हुआ हो, ट्रेडिंग के एविडेंसेस हैं, सो थर्ड विल बी रॉन्ग. सो वी हैव द करेक्ट आंसर एज बी. हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. सो दिस इज हाउ वी एनालाइज. अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने ना कहीं से भी कुछ बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है. क्वेश्चन है बेसिक आपके अवेयरनेस का, कि व्हेन यू आर रीडिंग एंड व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग इन द बुक्स दीज सील्स व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग. सिर्फ ये देख रहे हो कि कोई आदमी बैठा है या आप देख रहे हो कि वो नेचर में बैठा है बिकॉज एनिमल्स है उसके आसपास, है ना. So this is how UPSC will check and evaluate your observance level. Second question पे आ जाते हैं. Now every year there is one question asked from Buddhism, Jainism. अभी in 2023 also there was a question on Jainism. Concept of soul के ऊपर question आया था 2023 में, अगर आपको याद हो, है ना. तो ये topic बहुत important हो जाता है, practice करके जाना ही जाना है. Which of the following kingdoms were associated with the life of Buddha? Avanti, गंधार, कोसल और मगध. अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लाइफ स्टोरी पढ़ी है बुद्धा की तो यू कैन वेरी इजिली आंसर इट. तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो बुद्धिज्म का, उसमें सबसे पहले लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा इज एक्सप्लेन्ड, है ना. तो इफ वी लुक एट यू नो अवंती, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, बिकॉज हमको पता है कि बुद्धा जो थे, ठीक है, फाउंडेशन अगर उनका बुद्धा का देखें, ठीक है, द फाउंडेशन रिलीजन ऑफ बुद्धा इफ वी लुक एट, इट वॉज लेड इन मगध. ठीक है, तो मगध तो होगा ही होगा, तो फोर तो विल बी देयर, सो वी कैन एलिमिनेट ए. बाकी हम ऑप्शंस रख लेते हैं अभी, ठीक है. देन व्हेन वी, बिकॉज कौशल में तो बुद्धा 21 साल रहे थे ना. बुद्धा प्रीच्ड हिज यू नो हिज सर्मन्स हिज लेक्चर्स वेयर इन कौशल, ठीक है. तो यहाँ पर अगर कौशल देखें तो वो भी ठीक है, उनके लेक्चर्स, उनके सारे जो भी सर्मन्स हैं, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, वो कौशल में भी पाया जाता है. तो थ्री इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर आप देखोगे थ्री यहाँ पर नहीं है, तो बी कैन बी एलिमिनेटेड, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं अवंती और गांधार की, तो गांधार तो इज वेरी फार अवे, है ना, तो इसलिए टू कैन बी एलिमिनेटेड. तो ए हट गया, बी हट गया, ओके. एंड देन अवंती, अगेन अवंती इज नॉट करेक्ट. आप अगर अशोका की लाइफ देखेंगे तो वी कैन कोरिलेट, बट नॉट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा. सो करेक्ट आंसर वुड बी ओवर हेयर डी. वेरी गुड एवरी वन, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं कौशल की ना, कौशल एक और बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. तो एनडीटीवी इमेजिन पे ना एक सीरियल हुआ करता था, अब सिद्धार्थ गौतम के बारे में, तो उसमें दिखाया गया था कि बुद्धा के जो डिस्कोर्सेज हैं वो कौशल राज्य में भी देने जाते थे, जहाँ के राजा थे प्रसेनजीत, वो काफी इन्फ्लुएंस हुए थे बुद्धा की टीचिंग से, लर्निंग से. तो वहां से भी मुझे याद आता है कौशल राज के बारे में, ओके. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो याद रखना हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री इज कहानी, स्टोरी है हिस्ट्री. देखो आपको सारी कहानियां याद होती है ना मूवीज की, या अपने घर की, अपने मम्मी के साइड की, पापा के साइड की सारी कहानियां याद होती है हमको, है ना, अपने लाइफ की कहानियां याद है हमको. तो हिस्ट्री भी कहानी है, इसको रटने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो, इसको समझने के कहा इंटरेस्टिंगली समझो कि क्या हुआ है अपने पास्ट में. Now the next question is, with reference to the guilds which are known as Shreni of ancient India that played a very important role in country's economy, कौन सा statement correct है? Every guild was registered with the central authority of the state and king was the chief administrative authority. The wages, rules of work, standards, they were fixed by the guild. मतलब guild क्या होता है? एक particular specific sector है, domain है, उसका एक guild, एक block बना दिया गया जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग रहेंगे जो प्राइसेस और स्टैंडर्ड्स वगैरह को फिक्स करेंगे, वेजेस को, वेतन को फिक्स करेंगे, ठीक है. द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स. अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, ओके. तो जब हम बात करते हैं वेजेस की, यस, देखो फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन अ गिल्ड ऑफ लेट्स से लॉकस्मिथ, ओके. तो जो आपके हेड होंगे उस गिल्ड के, वो क्या करेंगे, वो आपके वेजेस को इस पर्टिकुलर डोमेन में जो आपके प्राइस आपको मिलना चाहिए, जिस प्राइस पे आप बेचोगे, वो सब फिक्स किया जाएगा. तो सेकंड इज करेक्ट, गिल्ड अगर बना हुआ है तो ऑब्वियसली उनके पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा ही होगा, तो बाय कॉमन सेंस सेकंड इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट की तरफ अगर हम देखें, गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स, यस इट इज करेक्ट, ओके. तो थर्ड भी करेक्ट, एक अपना ही ब्लॉक है जो अपने आप को एडमिनिस्टर कर रहा है, अपने फिक्स डोमेन को, जहां पर जो उस डोमेन के जो लोग हैं उनको मैनेज करता है. तो टू एंड थ्री आर करेक्ट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जो गिल्ड हुआ करता था वो निगम के अंडर आता था, ना कि राजा के अंदर, ठीक है. जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होती है ना, वो होता है निगम, तो निगम के अंडर गिल्ड आया करता था, ठीक है. सो दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड, टू एंड थ्री आर करेक्ट,
ओके, थ्री मोर क्वेश्चंस टू गो. अब देखो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ट्रेड यूनियंस वगैरह देखते हो तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर तो ट्रेड यूनियंस नहीं आते हैं ना. सो सिमिलर लॉजिक वी कैन अप्लाई ओवर हियर. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट. तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गुप्ता एम्पायर में हमने देखा है सबसे ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है ना, तो गुप्ता एम्पायर भी याद कर लेना आज. डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी. ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी एडी. कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वॉज नोन इन फिफ्थ सेंचुरी. कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वॉज नोन इन सेवेंथ सेंचुरी. यहाँ पर थोड़ा मेमोराइजेशन, थोड़ा सा इंटरलिंकेज. अगर आपने गुप्ता एम्पायर की एडवांसमेंट्स पढ़ी हैं, अगर आपने चाणक्य के टाइम की यू नो एडवांसमेंट्स पढ़ी है, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम की एडवांसमेंट्स पढ़ी है, देन यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन बाई को रिलेटिंग. तो यहाँ करेक्ट आंसर आ जाता है सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है आपका, बिकॉज वहां पर हम सुश्रुत के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, हु यूज टू डू ऑल द सर्जिकल ऑपरेशन. ओके, देन वेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर थ्री की, कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल, अगेन इट इज करेक्ट. ये भी करेक्ट है. आपको पता है वैसे सुश्रुत जी के बारे में एक बात बतानी थी कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी इन्होंने की थी. ठीक है, तो कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ आज के टाइम की इनोवेशन नहीं है, ये पॉइंट याद रखना. आर एंशियंट इंडिया इज वेरी रिच. ठीक है, इट वॉज वेरी रिच, बट कुछ इन्वेजन की वजह से क्या हुआ है कि हमारी एंशियंट नॉलेज, हमारी खुद की एंशियंट चीजें जिसपे हमें प्राइड प्राउड होना चाहिए ना, वो हमसे छुपाई गई हैं. ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं. यस इट इज करेक्ट, ब्रह्मगुप्ता के नाम के बारे में आपने सुना होगा, वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन. ओके, सो अगेन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा. ठीक है, तो अगेन थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो फर्स्ट थ्री एंड फोर आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बट उससे पहले छोटी सी आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट थी. एट सुपर कलाम ना, यू ऑल नो व्हाट सुपर कलाम इज, है ना, आपका आपको पता है, आपका खुद का AI बैक्ड सुपर पावर है आपके हाथ में, विद द यू नो विद इन द डिस्गाइज ऑफ सुपर कलाम. सुपर कलाम पर आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अंडर द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर UPSC प्रीलिम्स 2024. तो ये इंडिया का ना ऐसा पहला UPSC इवेल्यूएशन प्रोग्राम है जहाँ जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चंस कीजिए प्रैक्टिस अब. तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, स्टिल यू हैव टाइम, अभी 80 डेज है आपके पास, तो आप बचे हुए दिनों में खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को जितना मर्जी आप चाहें विद द हेल्प ऑफ सुपर कलाम्स टेस्ट सीरीज एट ₹1999. यू कैन एनरोल नाउ, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, एट सुपर कलाम वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ बैच 2025 के स्टूडेंट्स के लिए सुपर कलाम पर. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. ठीक है, यस, सो आई विल शो यू ओवर हियर कि दिस इज द फोकस बैच 2025 एट सुपर कलाम. ऑलरेडी स्कॉलरशिप इस पे हमने ऑन की हुई है, बिकॉज आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है 7 PM से. तो 7 PM 7 तो बज ही रहे हैं, तो आज हमारा पहला ओरिएंटेशन सेशन हुआ है. तो अगर आप चाहें तो आप आज भी, आपके पास टाइम है, आज तो फर्स्ट डे ही है, ओरिएंटेशन सेशन हुआ है, तो यू कैन इनरोल इन दिस बैच. दिस वुड बी अ बैच फॉर योर UPSC 2025 एग्जामिनेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. हमेशा याद रखना, जितने भी अपने चाइनीज ट्रैवलर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स रहे हैं, उसको प्रिपेयर करके जरूर जाना है. मैं क्या करती हूँ, सुपर कलाम के से प्रिपेयर कर लेती हूँ जितने भी हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स हुए हैं ना. सो वॉट आई डू, आई आस्क सुपर कलाम, आई शो यू ओवर हियर कि हेल्प मी अंडरस्टैंड द फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इन पॉइंट्स, सो दैट मैं पॉइंट वाइज ना नोट बना लूँ. तो मैं इससे क्या करती हूँ, मेरी तैयारी होती चली जाती है, मुझे ना सर्च करने की जरूरत नहीं है आपका इधर उधर. ठीक है, तो ऑल दी नोटेबल ट्रैवलर सुपर कलाम इज एक्सप्लेन. फा हाइन हो गए, मेगस थिनिस हो गए, ह्यून सैंग हो गए, इब्न बतूता हो गए. तो ह्यून सैंग पे तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. सो ऑल दीज एंड इंडिविजुअली अगर आपको पूछना है तो आप ह्यून सैंग के बारे में पूछ सकते हैं इंडिविजुअली, हु वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम. सो दिस इज हाउ मेरी ना साइमल्टेनियसली तैयारी ऐसे ही होती जा रही है.
कैसे होती है हमारी तैयारी एज एन एस्पिरेंट? फोकस बैच में यही होता है कि व्हेन वी आर टेकिंग क्लासेस, व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स, बाद में स्टूडेंट क्या करते हैं कि सुपर कलाम पर जाकर टॉपिक को डिटेल में तैयार करने की कोशिश करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर इवेल्युएट करवा लेते हैं, है ना? तो तैयारी वो सॉलिडिफाई हो जाती है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी As regards punishment for offences, ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining innocence or guilt of a person. Tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. देखिए, very good, correct answer यहाँ पर हो जाएगा C आपका, ठीक है? Statement one गलत है, क्यों? क्योंकि you know in Hyun Sang जो है उनकी completely immune from robbery. वो खुद उनको लूटा गया था, ठीक है? He himself was robbed. So first statement is wrong. Okay, second and third statement are obviously correct. There was a very strict punishment system. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Last question आज का, the religion of early Vedic Aryans. अब देखो यहाँ पर ना काफी बच्चों ने ये question गलत किया था आज के test में, मुझे पता है क्योंकि मेरे पास सारा record रहता है। So the students what they did, इन्होंने इसको early word को पढ़ा नहीं, उन्होंने later word समझकर answer किया है question. Religion of early Vedic Aryans क्या था? स्टूडेंट्स ऑफ आंसर्ड भक्ति नहीं, रिलीजन था वर्शिपिंग ऑफ नेचर। आप देखोगे अर्ली वेदिक सबसे शुरुआती पीरियड में जब वेदास भी मिले हैं हमें, तब क्या हुआ था कि नेचर की पूजा होती थी, नेचर में बैठ के ध्यान लगाया जा रहा है, ठीक है? कोई बहुत बड़े बड़े भक्ति सेंट्स नहीं हुए थे अर्ली वेदिक पीरियड में, बट प्योरली फायर, अग्नि, ठीक है, इंद्र, द गॉड ऑफ थंडर, द गॉड ऑफ रेन, द गॉड ऑफ सन, एवरी नेचुरल बींग वॉज बींग वर्शिप्ड, वॉज बींग मेडिटेटेड अपॉन। इसलिए ऋग्वेद में आप देखोगे नेचर से रिलेटेड काफी सारी हाइम्स पाई जाएंगी। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी। ओके, करेक्ट आंसर आपका होता है यहाँ पर सी। यज्ञ हुआ करते थे, हवन हुआ करते थे, और उस यज्ञ हवन के थ्रू इंद्रदेव को खुश किया जाता था, यू नो बारिश जो पवन है, वायुदेव है, उनको खुश किया जाता था। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू देखो। अब इजी लग रहा है ना एंशियंट हिस्ट्री, अगर आप देखो स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो तो एंशियंट हिस्ट्री बहुत ईजी है, इट इज नॉट एट ऑल टफ। ओके, एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई डाउट आता है ना, दिस इज माई ईमेल आईडी ask@kalam.in, जहां पर विमल सर, मैं और कार्तिक सर इंस्टेंटली आपके हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप चाहें तो इस ईमेल आईडी पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, आज एक छोटा सा टास्क देती हूँ, अपने स्कोर्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है? आई विल बी वेटिंग फॉर योर स्कोर्स एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, और क्लास के बाद अब सुपर कलाम को यूज जरूर करना, kalam.in पर लॉग इन करके। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।